हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। मैं कोमल सोनी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वेग के आधार पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की गति किस प्रकार की है, उसके आधार पर अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती है। पहला प्रकार होता है तात्कालिक अभिक्रियाएं, इनको आयनिक अभिक्रियाएं भी कहा जाता है। आयनिक अभिक्रियाएं या तात्कालिक इंस्टेंट होने वाले रिएक्शंस, तात्कालिक अभिक्रियाएं। दूसरे प्रकार की होती है बहुत ही कम गति से होने वाली अभिक्रियाएं, यानी जिसको हम कहते हैं अति मंद अभिक्रियाएं, अति मंद अभिक्रियाएं। और तीसरे प्रकार की अभिक्रिया होती है आयनिक है आणविक प्रकार की अभिक्रिया, आणविक या मध्यम गति की अभिक्रिया। गति की अभिक्रिया तीन प्रकार की रिएक्शंस होती हैं गति के आधार पर। एक होती है तात्कालिक बहुत फास्ट होने वाली रिएक्शन, एक होती है बहुत कम धीमी गति से होने वाली रिएक्शन, और एक होती है मध्यम गति की अभिक्रिया। हम बल गतिकी का जो नियम पढ़ते हैं, बल गतिकी में जो भी रेट ऑफ रिएक्शंस वगैरह देखते हैं, वो हम मध्यम गति की अभिक्रियाओं के लिए देखते हैं, क्योंकि ये जो अभिक्रियाएं होती हैं कुछ मिनट का या कुछ घंटों का समय लेती है अभिक्रिया पूर्ण होने में, तो इनको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। तीव्र गति की अभिक्रियाएं, तात्कालिक रिएक्शंस जो होती है बहुत फास्ट होती है और उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, हम उसमें चेंज का पता नहीं लगा सकते हैं, इसलिए इन रिएक्शंस का हम केमिकल काइनेटिक्स में अध्ययन नहीं कर पाते हैं। ये रिएक्शंस होती हैं आयनिक अभिक्रियाएं, यानी कि आयनों के द्वारा जो रिएक्शंस होती हैं वो कहलाती है आयनिक रिएक्शन। आयनिक यौगिकों के बीच में जो रिएक्शन होती हैं उसको कहा जाता है आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट अभिक्रिया होती है, बहुत तीव्र गति की अभिक्रिया होती है, और इनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, बहुत फास्ट उसमें चेंज होता है। तो आयनिक अभिक्रिया तात्कालिक रिएक्शन होती है, अति मंद अभिक्रियाएं बहुत धीमी गति से होती हैं, उनको पूर्ण होने में कई महीनों या कई सालों लग जाते हैं। इनका भी हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं कि इतने समय में ये अभिक्रिया पूर्ण हुई है, हम इसका पता नहीं लगा सकते हैं, और इसमें होने वाले चेंज का भी पता नहीं लगा सकते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाता है, लेकिन यदि उत्प्रेरक के बिना यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जल बनाना चाहें तो उसमें कई सालों लग जाते हैं। तो ये जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन से बनने वाला जल, ये आता है अति मंद अभिक्रिया में। तीसरे प्रकार की अभिक्रिया होती है आणविक अभिक्रिया या मध्यम गति की अभिक्रिया। अणुओं के मध्य होने वाली रिएक्शंस आणविक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, और ये मध्यम गति की होती हैं, यानी कि इनको पूर्ण होने में कुछ मिनट या कुछ घंटे लगते हैं, और इनकी काउंटिंग कर सकते हैं कि ये कितने समय में पूर्ण हुई है, इसको हम प्रेक्षित कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। आयनिक रिएक्शन जो कि तात्कालिक रिएक्शन होती है, आयनिक रिएक्शन आयनों के मध्य होती है, इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमने लिया है NaCl प्लस AgNO3, ये इसको अगर पानी में घोला जाए या इसको यदि पानी में घोला जाए तो ये अपने आयनों में विभक्त हो जाता है। ये आयनों में विभक्त होता है Na प्लस और Cl माइनस के रूप में, और ये आयनों में विभक्त होता है Ag प्लस और NO3 माइनस के रूप में। जब इन दोनों की रिएक्शन करवाई जाती है तो ये दोनों जो होते हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये विपरीत आवेश के हैं, और इन दोनों के बीच में जो बंध बनता है वो मजबूत बंध बनता है इनकी अपेक्षा बनने वाले बंध से। तो ये बॉन्ड आसानी से बन जाते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में बना हुआ बंध कमज़ोर है, इन दोनों के बीच में बना हुआ बॉन्ड कमज़ोर है, लेकिन इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो अधिक मजबूत होगा, तो ये बॉन्ड आसानी से बन जाते हैं, और ये बना देता है
AgCl जो कि आसानी से बन रहा है वो पहले बन जाएगा AgCl और NaNO3 प्लस NaNO3। ये वाली जो रिएक्शन होती है वो बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है और उसमें हमें चेंज का पता नहीं लगता, हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं कि ये चेंज हुआ कब है। अतिमंद अभिक्रियाएं, अतिमंद अभिक्रिया के लिए हम एग्जांपल देख सकते हैं। ये अभिक्रियाएं होती हैं आयनों के मध्य, ये अभिक्रियाएं होती हैं अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य होने वाली रिएक्शन, और बहुत ही मंद गति से होती हैं जो कि जिनको पूर्ण होने में कई महीनों या सालों भी लग सकते हैं। हाइड्रोजन एक अणु है, ऑक्सीजन से मिलकर के ये बना देता है H2O। अगर इसमें कोई भी उत्प्रेरक काम में न लिया जाए तो ये बहुत ही मंद गति की अभिक्रिया होती है और इसको पूर्ण होने में कई सालों लग जाते हैं। आण्विक या मध्यम गति की अभिक्रिया, इसका यदि हम एग्जांपल देखें तो जो भी प्रैक्टिकल लैब में हम रिएक्शंस करते हैं उन रिएक्शन में अधिकतर हमने देखा है रिएक्शन करने के बाद या तो कलर चेंज हो जाता है या फिर उसका अवक्षेप बन जाता है। तो ये सारी रिएक्शन हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जिन रिएक्शंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं जो कि मध्यम गति की अभिक्रियाएँ होती हैं उनका अध्ययन हम बल गति की केमिकल काइनेटिक्स में कर सकते हैं। तो मध्यम गति की अभिक्रिया भी अणुओं के मध्य होती है, अणुओं के मध्य होने वाली अभिक्रिया है और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा। यानी कि यदि एक अम्ल ले लिया और अल्कोहल, इनकी अभिक्रिया करवाई जाए तो बनता है CH3COOC2H5 और साथ में H2O निकलता है। ये अभिक्रिया मंद गति की अभिक्रिया है और हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये वाली रिएक्शन है अम्ल तथा अल्कोहल की रिएक्शन द्वारा एस्टर का बनना, ये वाली रिएक्शन मध्यम गति की अभिक्रिया में के अंतर्गत आता है। इसके कुछ और एग्जांपल है जैसे कि क्लोरोफॉर्म का प्रकाश द्वारा अपघटन या फिर तनु अम्ल की उपस्थिति में इक्षु शर्करा का अपघटन। कुछ इसके एग्जांपल हैं, आप अपनी बुक में से और भी इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो ये तीन प्रकार होते हैं वेग के आधार पर, गति के आधार पर कौन सी रिएक्शन कितनी टाइम में पूरी होती है उसके आधार पर इनको तीन वर्गों में बांटा गया है। एक होती है तात्कालिक अभिक्रिया, बहुत फास्ट होने वाली, एक होती है अतिमंद अभिक्रिया, बहुत स्लो होने वाली, और एक होती है मध्यम गति अभिक्रियाएँ जो कि एक फिक्स टाइम में, एक थोड़े से टाइम के अंतराल बाद में ये पूर्ण हो जाने वाली, जिसको हम बल गतिकी में अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है केमिकल काइनेटिक्स में बल गतिकी में, रासायनिक बल गतिकी में कौन से प्रकार की अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है, तो उसमें किया जाता है आण्विक या मध्यम गति की अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अब हम देखते हैं कि अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। फर्स्ट इसको प्रभावित करता है अभिकारकों की सांद्रता। हमने पढ़ा है द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के। यदि अभिकारक ए और बी है तो इनकी सांद्रताओं के गुणनफल समानुपाती होता है अभिक्रियाओं के वेग के। इसका मतलब है यदि अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि होती है तो अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि होने पर अभिक्रिया के वेग में भी वृद्धि होती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल बताया था NaCl प्लस AgNO3, इसकी रिएक्शन से बनता है AgCl प्लस NaNO3, ये बनता है और ये आसानी से रिएक्शन होती है, ये तत्कालिक रिएक्शन होती है और ये आयनिक रिएक्शन होती है। यदि इनमें आयनों की सांद्रता अधिक हो जाए, इन आयनों की सांद्रता बढ़ जाए, यानी NaCl और AgNO3 की सांद्रता बढ़ जाए तो अभिक्रिया की गति, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, क्योंकि अभिक्रिया का वेग द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार उनकी सांद्रताओं के गुणनफल के बराबर होता है। यदि इनकी सांद्रता हम बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। दूसरा यदि हम कारक देखें तो अभिकारकों की प्रकृति पर भी अभिक्रिया का वेग निर्धारित होता है। अभिकारकों की प्रकृति मतलब यदि
जो अभिकारक ये जो अभिक्रिया होती है उसमें यदि जो बॉन्ड नए बनते हैं उन वो तीव्र गति से बने, और जो टूटने वाले बॉन्ड हैं, जैसे हम मानते हैं ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर एजी और सीएल के बीच में, वो फास्ट बनने लग जाए, यानी कि उत्पाद बनने, नए जो बंध बन रहे हैं वो फास्ट बनने लग जाए, और जो बंध टूटते हैं वो भले ही स्लो हो लेकिन नए जो बॉन्ड बन रहे हैं वो फास्ट बनने लग जाए, जल्दी जल्दी से बॉन्ड जुड़ने लग जाए, तो अभिक्रिया की गति तेज हो सकती है। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब आयनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं यदि उनको जलीय माध्यम में किया जाता है, आयनिक अभिक्रियाओं को यदि गलित अवस्था में या जलीय माध्यम में किया जाता है तो उनके आयनों की गति जो है वो बढ़ जाती है। जब वो आयनों की गति बढ़ जाती है तो आयन आपस में आसानी से अभिक्रिया कर पाते हैं और आसानी से प्रोडक्ट बना पाते हैं। लेकिन जब हम आणविक रिएक्शंस देखते हैं, आणविक अभिक्रियाएं देखते हैं, उनमें अणुओं के मध्य रिएक्शन होती हैं, इसलिए वो मंद गति की अभिक्रिया होती हैं। आयनिक अभिक्रियाएँ तीव्र गति की होती हैं और आणविक अभिक्रियाएँ जो होती हैं वो मंद गति की होती हैं। तो अभिकारकों की प्रकृति भी निर्धारित करती है अभिक्रिया के वेग को। आयनिक अभिक्रियाएँ तीव्र गति से और आणविक अभिक्रियाएँ मंद गति से होती हैं। तीसरा हम देखते हैं टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। यदि किसी अभिक्रिया के लिए ताप को बढ़ा दिया जाता है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभिकारक के जो अणु होते हैं ताप बढ़ाने पर उनके बीच की गतिज ऊर्जा, वे अणु और ज़्यादा गति करने लग जाते हैं, उनके बीच की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है जिसके कारण वो आसानी से रिएक्शन करते हैं और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, यानी ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिकारकों की आयनिक प्रकृति होगी, आयोनिक प्रकृति होगी तो अभिक्रिया का वेग अधिक होगा, और आणविक प्रकृति होगी, आणविक प्रकृति होगी तो अभिक्रिया का वेग कम होगा। नेक्स्ट क्या प्रभावित करता है? नेक्स्ट करता है ठोस अभिकारकों का पृष्ठीय तल। ठोस अभिकारक जो होते हैं यदि उनको और अधिक टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए या फिर उसका पाउडर फॉर्म में कर दिया जाए तो आसानी से रिएक्शन करती हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम मान लेते हैं एक चौक है, उसको हमने सूक्ष्म रूप से विभाजित कर दिया, ये चौक बनी हुई है, उसको हमने एसिड में डाला तो वो कुछ रिएक्शन करती है, लेकिन यदि उसको हमने पाउडर फॉर्म में चेंज कर दिया और हमने एसिड डाला तो वो और अधिक रिएक्शन करने लग जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चौक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस जो अभिकारक है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि हम बढ़ा देते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट, भौतिक अवस्था का प्रभाव। भौतिक अवस्था का प्रभाव, भौतिक अवस्था का प्रभाव क्या होगा? जैसे मैंने देवन बताया, चौक को यदि पाउडर फॉर्म में कर देते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि बढ़ा देते हैं, पाउडर फॉर्म में यदि कर देते हैं तो उसका अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, यानी कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। भौतिक अवस्था का प्रभाव यही है कि यदि उसको पाउडर फॉर्म में, बारीक चूर्ण में चेंज कर दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। या फिर आयनिक अभिक्रिया में यदि हम देखें तो आयनिक अभिक्रिया में आयनों जब आयन में विभाजित हो जाता है, यानी कि आयनिक ठोस जो होते हैं उनको या तो गलित अवस्था में या फिर उसको जल में घोल दिया जाए तो वो आयनों में विभक्त हो जाते हैं। जब वे आयनों में विभक्त हो जाते हैं तो आसानी से अभिक्रिया कर पाते हैं और अभिक्रिया की गति बढ़ सकती है। तो भौतिक अवस्था का भी बहुत प्रभाव पड़ता है अभिक्रिया के वेग पर। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रकाश का प्रभाव। प्रकाश का प्रभाव हमने देखा है प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन में। हमने बायो में ये चीज़ पढ़ चुके होंगे आप कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया तीव्र गति से होती है। तो यदि कुछ कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, यानी कि प्रकाश यदि दे दिया जाए तो अभिक्रिया की गति भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है उत्प्रेरक का प्रभाव। अभिक्रिया पर उत्प्रेरक का प्रभाव दो प्रकार से पड़ सकता है, या तो वो अभिक्रिया की गति को बढ़ा सकता है या फिर वो अभिक्रिया की गति को कम कर सकता है। ऐसा वो इस प्रकार करता है, उत्प्रेरक काम करता है सक्रियण ऊर्जा पर।
अगर आपने 11th क्लास में सक्रियण ऊर्जा पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो इसी चैप्टर में मैं आपको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा बताऊंगी कि ये क्या होता है। जब अभिकारक आपस में रिएक्शन करते हैं और उत्पाद में चेंज होने होते हैं तो उनको एक एनर्जी बैरियर एक सक्रियण ऊर्जा को पार करना होता है। ये सक्रियण ऊर्जा से पार होने के बाद में ये उत्पाद में चेंज हो जाते हैं। उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है? उत्प्रेरक का कार्य होता है कि इस एनर्जी बैरियर को वो कम कर देते हैं, यानी सक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देते हैं। जब सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है तो अभिकारक आसानी से इस एनर्जी बैरियर को पार करके उत्पाद में चेंज हो सकते हैं। इसलिए उत्प्रेरक का प्रभाव दो प्रकार से पड़ सकता है। यदि हमें किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ाना है तो उसमें उस प्रकार का उत्प्रेरक मिलाया जाता है जिससे उस अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है, जिससे आसानी से अभिकारक उस सक्रियण ऊर्जा को पार करके उत्पाद में चेंज हो जाते हैं। यदि हमें किसी अभिक्रिया के वेग को कम करना है तो हम इस प्रकार का उत्प्रेरक मिलाते हैं कि उस अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा के मान को वो बढ़ा देता है। यदि सक्रियण ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा तो जो अभिकारक है वो आसानी से एनर्जी बैरियर को पार नहीं कर पाते हैं और अभिक्रिया का वेग कम हो जाता है। यानी कि दो प्रकार के उत्प्रेरक काम में लिए जा सकते हैं, एक तो वो जो सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाते हैं और एक वो जो सक्रियण ऊर्जा को कम करते हैं। सक्रियण ऊर्जा को कम करने वाले, यहाँ पर मैं बता देती हूँ, सक्रियण ऊर्जा को कम करने वाले अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया वेग को बढ़ा देते हैं। लेकिन सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाने वाले एक्टिवेशन एनर्जी को EA से भी डिनोट करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाने वाले अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं। तो ये कुछ कारक हैं, ये 7 कारक हैं जो कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। थोड़ा सा इसका क्विक रिवीजन कर देते हैं। कौन कौन से हैं? अभिकारकों की सांद्रता, यदि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ती है तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। अभिकारकों की प्रकृति, आयनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उनका वेग अधिक होता है। आयनिक जो यौगिक होते हैं वो उनकी अभिक्रिया का वेग अधिक होता है, लेकिन जो आणविक यौगिक होते हैं उनके बीच की अभिक्रिया जो होती है उनका वेग कम होता है। ताप का प्रभाव क्या पड़ता है? ताप बढ़ाने पर अणुओं के बीच की गति बढ़ जाती है जिससे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। ठोस अभिकारकों का पृष्ठीय तल, यदि उनका पृष्ठीय तल बढ़ा दिया जाता है तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। भौतिक अवस्था का प्रभाव, लिक्विड स्टेट में या गलित अवस्था में या फिर उसको चूर्ण करके अभिक्रिया के वेग को बढ़ाया जा सकता है। प्रकाश का प्रभाव, प्रकाश संश्लेषण जैसी अभिक्रिया के लिए यदि प्रकाश दिया जाता है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। उत्प्रेरक का प्रभाव, कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो सक्रियण ऊर्जा को कम करते हैं, ऐसे उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, और कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाते हैं, ऐसे उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं। तो ये कुछ इसके प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अभिक्रिया की अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।